एगो लड़का था, पैसा उसे घर का था, सही बतियाते रहता था कोनो से, तले उसका फोन आता था साइड हो जाता था। एक दिन ना खाना वाना खा रहे थे, अचानक दरवाजा पीटने लगा के, भाई भाई जोना से बतियात रहनी नो। बाबू आप लोग कभी जब आप लोग पढ़ाई किए होंगे तो हॉस्टल हॉस्टल में रहे होंगे, तो कई बार हॉस्टल में कोई बगल के लॉज का है, दूसरे रूम का है, तो लंबे समय रहने से दोस्ती हो जाती है। तो एगो लड़का था, ऐसे ही बतियाते रहता था कोनो से, और हम लोग जब पढ़ाई वढ़ाई करते तो कभी आके बीच में डिस्टर्ब करता था, और भाई क्या है खूब बढ़िया से हंसी मजाक करता था, पैसा उसे घर का था, अतले उसका फोन आता था साइड हो जाता था। आते हैं बाद में बतिया अरे मत पूछो, उसको बतियाते रहेगा, कॉल आएगा यहाँ पे। एक दिन ना हम लोग खाना वाना खा रहे थे लोग, अचानक दरवाजा पीटने लगा के, भाई भाई हम लोग डर गए, इतना जोर से काहे पीट रहा है, सब आदमी खाना छोड़ के उठा, का भइल गड़बड़ हो गई, का हो गया, का जोना से बतियात रहनी नो, तो हम चल देले बिया गांव से। अभी ये तो लंबा लंबा फेंका था, चुनाव में और प्रेम में किए गए वादे हवाई फायरिंग होते हैं, जो इसे हकीकत समझा वो तो गया। अब वो कहता हार्ट बीट ना ससुरा का कपड़ा से दिखता था, ऐसे पहना था ना टी शर्ट तो दिखता था ससुरा का दिल धड़क रहा है, मतलब इतना घबरा गया था, चेहरा एकदम पीला, आपको सुनने में अजीब लग रहा लेकिन जो झेल रहा है वो, अरे बाप रे बाप, चल दी गांव से, कहते चल दे लो। हम लोग का अपने हालत खराब, कहीं अगर ये घेराया तो भाई अजीब कौन किधर क्या होगा, पिटा जाएगा ये, अच्छा भाई साथ जान पहचान का पिटाएगा तो कैसा लगेगा। तो हम कहे कि तुम ही ना बुलाया होगा, तो कह बकलो लिया कुल सच बुझ ले तो हम क्या करे, ऐसा वादा पांच जगह करो, अब वो करे तो क्या करे, यहाँ पे पगला गया यहाँ पे। तो हम लोग के बीच का एक दोस्त था ना, वो भी उसी कैटेगरी का था, वो कहा कि सुन 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 कभी नो ना कभी लो, वो अपनी माई चाहे बाप चाहे भाई के फोन से तोरा फोन कैलो हुई कबो ना कबो। तो हम ओकरा से पूछे कैसे रे, ना ना वो पगलाती है सब, तो कोनो का जेकरा नंबर मिलेगा ओकरा से फोन कर दे। तब वो बैठा एक घंटा खोजते खोजते कॉल लगा रहा है, हाँ आप ये उसी बीच धीरे 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 पता कैसे पता चला पता है, तो वही बताया कि देख कोना पे ढेर बात भइल बा, अनजान नंबर देख जोना पे ढेर बात भइल बा, तो अनजान नंबर देखा जिस पे ढेर बात हुआ था, तो का ये होलो लगाया तो के पिताजी का लग गया, तो बताया कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, आप आइए हमारा गलती नहीं है, इनने से ई पहुंच रही है। एक दो घंटा बाद बाप और भाई पहुंच रहा है, और दो तीन गो पहलवान लेके आया था मोटा लाठी लेके, ई उसको आराम से, ई का तो हालत खराब एकदम, उपू जी तुम खुश नहीं लग रहे, खुश लग रहा हो, आधा खून सूख गई लोग उसको आराम से रहा, फोन करा कितना टाइम लगेगा आने में, और जब आए तो पिताजी को लाया, कहा कि देखिए यही है, वो तो देखते रह गई इसको, करियर खराब हो गया रहता बेचारा का, जेल चल जाता, एक से कैसा रहता है सब सनकी सनकी, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। आज लड़का को अगर कस्टमरी फोन करती है तो डरा जाता है, कहता कौन ठीक यो चला है तो काम लड़की लोग को समझ आ रहा है, कितना बढ़िया बात बोले, भरोसा नहीं कर कौन चीज कर, हाँ भरोसा नहीं है, अरे कर कौन बोल रहे की समझ गए, पापा के नंबर से फोन नहीं करना है, इतना समझाने के बाद ये समझिए कि पापा के मोबाइल से फोन नहीं कर। अच्छा इसमें से कोनो कोनो एकदम उदास है सब, जानते हो क्या है, जा हम तो कॉल दे लो बेचारा सब जो अपने अपने घर के नंबर से फोन किए, सबका चेहरा उतर गया, जा अब कहो तो मुझे पापा के मत फोन कर दे, लड़का डिलीट नहीं करेगा, इतना खचरा होता है सब, पापा घर का नंबर पा गया तो डायरी में लिखेगा ये, बता हम गलत बोल रहे हैं, देख लो ये बहुत खचरा होता है सब, लड़कों की खराबी वो जहीं भी जाएंगे सर एक प्लान बी लेके जाता है सर, ये ही बहुत खचरा है सब, इस सबको इतना शरीफ मत समझिएगा लोग।
देखो ये कह रहा है जीमेल पे सेव कर देते हैं। कभी डिलीट नहीं होता है, जीमेल पे सेव हो जाता है नंबर। तुम लोग एडवांस आदमी है।